हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो चप्पल हेडली सीरीज होने वाली है, उस चप्पल हेडली सीरीज के फर्स्ट ओडीआई की मैच प्रेडिक्शन 3 ODI खेले जाएंगे। पहला ODI 6 सितंबर की सुबह 9:50 पर होगा दोस्तों, और ये मुकाबला खेला जाएगा कैसरे स्टेडियम के ऑस्ट्रेलिया में। तो मैच में जाने से पहले अगर थोड़ी मैं प्लेयर बना डालूँ तो ऑस्ट्रेलिया के पास है एरन फिंच, ग्लैन मैक्सवेल, मार्क स्टोइनिस, एडम जंपा जैसे प्लेयर दोस्तों, एस्टन एगार जैसे प्लेयर, ग्लैन मैक्सवेल जैसे प्लेयर होंगे। अगर मैं न्यूजीलैंड की टीम में डालूँ उनके पास केन विलियमसन, मार्टिन, गप्टिल, फिन एलन, डेविड कॉनवे, जेमी नीशम, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर हैं दोस्तों, मिशेल सैडनर जैसे प्लेयर हैं। अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पल्ला दोस्तों न्यूजीलैंड का ही पल्ला भारी हालिया फॉर्म उनका ODI में बहुत अच्छा है। और दोस्तों एक बात और बता दूँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ अभी एक मुकाबला हारी है ऑस्ट्रेलिया। अगर पिछले 5 मुकाबलों की बात करूँ दोनों टीमों की, तो पिछले 5 में से दोस्तों 3 मुकाबला जीती है ऑस्ट्रेलिया, 4 जीती है न्यूजीलैंड। और इन दोनों टीमों के बीच जो पिछले 3 मुकाबले हुए थे उसमें 2 ऑस्ट्रेलिया जीती है, 1 न्यूजीलैंड जीती है। अब आइए दोस्तों इन दोनों टीमों के जो पिछले 10 मुकाबले उस पर विनिंग परसेंटेज पर नजर डालूँ तो 40% है ऑस्ट्रेलिया का विनिंग परसेंट, 90% है न्यूजीलैंड का। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 218 है, न्यूजीलैंड का है 270। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है, जो हाइएस्ट फर्स्ट इनिंग जो हाइएस्ट स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का है 348 रन्स, और न्यूजीलैंड का 360 है। 100 रन लोएस्ट रहा है ऑस्ट्रेलिया का, ऑल आउट हो गई थी जिम्बाब्वे के खिलाफ 190 रन, न्यूजीलैंड का हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ एनालिसिस। अब आइए दोस्तों दोनों टीमों की जो जहाँ पर मुकाबला खेला जा रहा है पिच और स्क्वाड्स पे नज़र डालते हैं। ठीक है, तो पिच और स्क्वाड्स कुछ इस तरीके से है। मैं आपको पिच बता दूँ, यहाँ पर ज़्यादा मैचेस नहीं खेले गए हैं, तो जो ODI इंटरनेशनल मुकाबले में उस पर नज़र डालूंगा क्योंकि ये भी ODI ही है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 2 ODI खेले गए हैं, दोनों पहले बैटिंग करने वाली नहीं जीती है, बाद में बैटिंग करने वाली जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 126 रन का है, और हाईएस्ट स्कोर बांग्लादेश का है 147 पे ऑल आउट हो गई थी। लो स्कोर भी बांग्लादेश का 105 पे ऑल आउट हो गई थी। ठीक है गाइस, अगर मैं स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो 200 से कम 200 दो बार बना है, 200 से 249 के बीच का स्कोर बना नहीं है, 250 से 299 के बीच का भी स्कोर नहीं बना, 300 से ऊपर का स्कोर भी नहीं बना। ठीक है गाइस, अब आइए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो ओपनिंग करेंगे वो करेंगे एरन फिंच, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस नंबर 3 नंबर 4, ग्लैन मैक्सवेल नंबर 5, और कैमरन ग्रीन नंबर 6। न्यूजीलैंड की बाकी की प्लेइंग 11 आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही होगी, देख लीजिएगा। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 पर बात करूँ तो मार्टिन, कप्टन, फिन एलन ओपनिंग करेंगे, डेवन कॉनवे के साथ केन विलियमसन नंबर 4, टॉम लैथम नंबर 5, जेम्स नीशम नंबर 6। ये तो थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। आपको जो है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए क्योंकि उसका एक बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच में चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम में देता हूँ दोस्तों। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस ग्राउंड पर भी टॉस बहुत है महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में तो जो आपको प्रेडिक्शन बताई जाएगी और फाइनल प्रेडिक्शन आपको टेलीग्राम पर भी दी जाएगी, सेशन भी फ्री में दिए जाएंगे, तो ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं पर ज्वाइन नहीं होते, ज्वाइन होंगे तो आपका ही फायदा होगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, तो अगर आप उन फेक चैनलों से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है उसी से ज्वाइन हो, उसके अलावा कहीं भी कोई लिंक मिले मेरे टेलीग्राम का तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं। तो गाइस मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड ये मुकाबला जीतेगी मेरे हिसाब से, हालांकि फाइनल प्रेडिक्शन आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी आपका द टॉस। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय।